एक रागनी आपके बीच में महाभारत के इतिहास से, और मौका होगा आदरणीय मुसद्दी जी, प्रेमियों दुर्योधन हस्तिनापुर की तरफ से जरूर लड़ रहा है, सारी सेना मारी गई, और जब सारी सेना मारी गई और ऐसा लगा गांधारी को, धृतराष्ट्र को, कि बचने वाला दुर्योधन भी नहीं है। गांधारी शिव भक्तनी थी, शिव की भक्तनी थी, और जिस दिन पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने के लिए गए थे, उसी दिन आंखों पर पट्टी बांध ली थी और अपने पिता गंधार नरेश से यह कह दिया था कि जो पिता मैं कह रहे हैं मैं उनके साथ शादी करना चाहूंगी। प्रेमियों आज जो तेज था आंखों का उन्हें खोलना चाहती हैं, दुर्योधन को कुछ दिशा निर्देश भी करती हैं। आइए मैं और मैडम मनोज चौधरी आपको मिलकर इस रागिनी को सुनाएंगे। जी गुरु जी, प्रेमी सज्जनों, महाभारत के अंदर कौरव 100 भाई थे और एक उनकी बहन थी। जब 99 भाई मारे गए और अकेले दुर्योधन बचे, तो वो अपनी माँ गंधारी के पास सहायता के लिए गए कि माँ, मेरे 99 भाई तो मारे गए, मैं अकेला बचा हूं, कोई बचने का रास्ता बता। तो माँ की ममता उमड़ पड़ी, ये कहने लगी कि बेटा, मैं जानू सू दिल पत्थर ना कर, हृदय नरम बतावेगा, और जब बचने की तरकीब तुझे कुंती का धर्म बतावेगा। अगर तू बचना चाहता है तो धर्मराज युधिष्ठर के पास जा, वो तुझे जीत का मार्ग बताएगा। कहने लगे कि माँ, उनसे तो मुझे कल युद्ध करना है, और दुश्मन मुझे भला क्यों मेरी जीत का मार्ग बताएगा, कि अगर वो धर्म के रास्ते पे चलता होगा तो जरूर बताएगा। प्रेमी सजनों, जब दुर्योधन युधिष्ठर के पास गए तो कहते हैं कि वैसे तो युधिष्ठर उम्र में बड़े थे, लेकिन छोटे भाई के लिए आप इज्जत में कुर्सी को छोड़ दिया कि जो औरों ने बड़ा तक है वो एक दिन आप बड़ा होगा। और आता देखा दुर्योधन तो कुर्सी से धर्म खड़ा हो गया। प्रेमी सजनों, ये कहने लगे कि युधिष्ठर, तू ये मत समझना कि मैं कमजोरी में तेरे पास आया हूं, मुझे सीधे सीधे मेरी जीत का रास्ता बता, मैं माने भेजाऊं। कहने लगे भैया, मन में तो ये बात थी कि शायद समझौता करने के लिए आया होगा, लेकिन वो कहां मानने वाला था, जिद्दी था दुर्योधन। ये कहता है दुर्योधन, किस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया और तेरे धौरे चल के आ गया, तू कमजोर मान गया, कमजोरी में नहीं आया, माने का है तब आया हूं। प्रेमी सजनों, जीत का रास्ता बता देते हैं कि अगर तुम जीत चाहते हो तो तुम्हारी माँ की आंखों के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर तुम नग्न अवस्था में अपनी माँ के सामने चले जाओगे, वो आंखों की पट्टी खोल के अगर तुम्हें देख ले, तो दुर्योधन तुम बज्जर के बन जाओगे, दुनिया में तुम्हें कोई मार नहीं सकता। प्रेमी सज्जनों, यही किया, गंगा में स्नान करके अपने वस्त्र वहीं रखे और नग्न अवस्था में चल देते हैं। उधर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण योजना बना रहे होते हैं कि कल का युद्ध कैसे जीता जाए। एक गुप्तचर ने जाके ये कह दिया कि तुम तो यहाँ जीतने की योजना बना रहे हो, वहां जीतने का रास्ता युधिष्ठर ने स्वयं दुर्योधन को बता दिया। कृष्ण जी बोले हैं, अब कृष्ण जी तो बड़े चालाक थे, जिस रास्ते से दुर्योधन जा रहा था उसी रास्ते को आगे से घेर लिया कि दुर्योधन कहाँ जा रहे हो, कि कृष्ण जी मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपने कुछ नेम टेम कर रहा हूँ। कहने लगे भैया, अरे नेम टेम तो दुनिया के देखे, लेकिन नंगा होके तू कौन से नेम कर रहा है कि मुझे ये युधिष्ठर ने कहा है मैं अपनी माँ के सामने जा रहा हूँ। अरे भले आदमी माँ के सामने जा रहा है, गुप्त अंगों को तो ढकता चला जा। प्रेमी सजनों, ये कहने लगे कृष्ण जी की कहीं ऐसा तो नहीं है, एक रोज भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि द्रौपदी की बेइज्जती का बदला वो तुझसे जरूर लेगा, कहीं इसलिए बदला लेने के लिए ये कह दिया हो युधिष्ठर ने कि माँ के सामने नंगा होके चला जा, मत जा। तो बहकट्टा तो वो था ही, बहकावे में आ गया, गुप्त अंगों पे केले के पत्तों को लपेटा, फूल पत्तियां बांधी और माँ के सामने जा पहुंचा। जब माँ गांधारी ने अपनी पट्टी हटा के उसे देखा
तो सिर में हाथ मार के रोने लगी। यहाँ के सवाल और जवाब है दुर्योधन और गांधारी के, सुनेगा क्या बताया। माताजी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम दुर्योधन, जैसा आपका आदेश हुआ उसका पालन करते हुए आपका ये बेटा दुर्योधन आपकी सेवा में हाजिर है। माता, जो मैंने कहा उसका पालन तो तुमने जरूर किया, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसा तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तुमने उसकी बात को माना नहीं। बिल्कुल माना है। अगर तू उसकी बात मान लेता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। तू मेरी आंखों में ये आंसू देख रहा है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी छोटी माँ हो, चाहे कोई बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे तातश्री हो, हमेशा इस दुर्योधन को ही छोटा दिखाने की, नीचा दिखाने की कोशिश करते। तू हरकत ही ऐसी करता है, और आज अगर मेरी आंखों में आंसू पर यूं तो बता आज कौन सी हरकत कर दी, जैसा आपने कहा, जैसा धर्म युधिष्ठिर ने कहा, वही तो बात मान के आया हूं। नहीं, पर एक बात बता। हाँ, 99 भाई मारे गए, क्या उनके लिए दुर्योधन के सामने आंसू बह रही है? नहीं, तेरी गलती में आंसू बह रही हूं। मैंने अब कोई गलती नहीं की। की है, जानना चाहता है तो बता दूंगी, बोल। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं, वो बात पूछ, सुन ले। सिर में मारे क्या शरीर माता शंका है मिटा दे आया क्यों ने नाम नीर माता शंका है मिटा दे आया क्यों ने नाम नीर माता जग के लेखे दिन लकड़ा पर जग के लेखे दिन लकड़ा पर मेरे लेखे रात किसी के न हुई ओ जैसी मेरे संग में बात हुई जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना हो बात हुई जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना हो बात हुई करी क्या करी रेख भात हो सुना
की रात कर गया। अच्छा। पुराने थे गाब अनगिन। हाँ। नए गाब लाख कर गया। कौन? नंगा कर भेजा और वो धर्म मा मजाक कर गया। नंगा कर भेजा वो धर्म मा मजाक कर गया। देवता नव मानव हर ने देवता नव मानव हर ने कर्म साथ बांध लिए दोष ना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए नंगा कर के भेजाते क्यों फूल और पात बांध लिए नंगा कर के भेजाते क्यों फूल और पात बांध लिए किस से करूं मैं शिकायत हो मेरे साहब 100 रुपए दे के गए हमारी दो चश्मी रागनी पर मैं दिल से बहुत बहुत गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। माँ बोल दुर्योधन। बोलूं क्या, मैं आपकी लीला ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तू लीला किसी की नहीं समझ पाता, समझ है ही नहीं तेरे अंदर। मैं कोई 2 महीने का बच्चा नहीं हूँ। तू बच्चा बेशक नहीं है लेकिन मैं शादी शुदा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, सियाणा हो गया हूँ, लेकिन अकल अब भी नहीं है तेरे। अकल है तभी तो फूल और पत्ते। अगर अकल होती तो आज मैं यूं ना रोती जैसे तूने रुला दी। छत्रानी कभी रोया नहीं करती। अगर 99 भाई मारे गए हैं तो वो वीर गति को प्राप्त हूँ। मैं 99 बेटों के लिए नहीं रो रही, तेरी गलती पे रो रही। लेकिन वो मुझसे भीम के अपमान का बदला लेना चाहते थे, मुझे नग्न आपके सामने भेज करके। वो तो भला हो किसी व्यक्ति का जिसने मुझे सुझाव दिया, समझाया। क्या कह रहा है तू? क्योंकि मैं इतना सयाना और अपनी माँ के सामने नग्न आता, ये कोई अच्छी बात थी? सुन मेरी बात, मैं समझाऊंगा। तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे में कमजोर पड़ गई है। अच्छा, समझा। बोल। जरूर परमा क्या ना हृदय में ज्ञान बैठा फूल और पत्ते बांधन तेरी बता कौन सा नुकसान बैठा फूल और पत्ते बांधन ते कौन सा नुकसान बैठा आंख खोल देख सिर के आंख खोल देख सिर के आसमान ढह गया फूल और पत्ते बांधन ते तो पेड़ा गंधारी का बह गया सारा तन पच्चर का पर तू जागों पे से कच्चा रह गया सारा तन पच्चर का पर तू जागों पे से कच्चा रह गया आवे हाथ मारे के हाथ हो पता
चौधरी रतन सिंह जी कोट कासिम बाबूजी की तरफ से फिर से 100 रुपए दिए गए हैं, धन्यवाद। और हम सबके लाडले भाई सुभाष जी होड़ा, आदरणीय इंदिराज जी के सुपुत्र, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक भाई सुभाष जी की तरफ से भी हम दोनों कलाकारों को इस रागनी पे 500 रुपए दिए गए, एक बेतालियों से पुनः स्वागत। माँ गंधारी बोल दुर्योधन, क्या जो आप कह रही हैं वो सच है? वही सच है। क्या मेरा सारा शरीर बज्जर का हो चुका है? दुर्योधन, जिस वक्त मेरे अंधे पति के साथ मेरे फेरे हुए थे, उसी वक्त मैंने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि अंधे पति के साथ हमेशा अंधी बन के रहूंगी, लेकिन मेरी आंखों के अंदर इतनी शक्ति आ चुकी थी कि मैं पट्टी खोल के जिसे भी देख लेती वही बज्जर का बन जाता। शायद धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तुझे यही बताया होगा, अब तेरा सारा शरीर बज्जर का हो गया, लेकिन जो अंग तूने ढके हुए हैं केले के पत्तों से और फूलों से, वहीं से तू कच्चा रह गया, वहीं से तेरा मानव शरीर है। माँ गंधारी, जिस दुर्योधन को लोग बेईमान बताते हैं वो दुर्योधन तो सादा भोला है। अगर तू धर्मराज युधिष्ठिर की बात मान लेता तो दुनिया में तुझे कोई मार नहीं सकता। मैंने युधिष्ठिर की बात का पालन किया, पर मैं तो माँ एक बार फिर छल लिया। वही मैं जानना चाहती हूँ, आखिर तूने उसकी बात नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी? लेकिन मुझे एक बार फिर बताइए, सिर्फ जांगों को छोड़ करके, गुप्त अंगों को छोड़ करके, बाकी शरीर मेरा बज्जर का हो चुका है। बज्जर का हो गया है। हे माँ गंधारी, फिर भी तेरा बेटा अमर रहेगा, तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं अब पांडवों को हराने में सक्षम हूँ। मैं वो गदा युद्ध करूंगा, वो गदा युद्ध करूंगा, अगले दिन हस्तनापुर की जीत होगी। तू ये घमंड की बातें छोड़ दे दुर्योधन, मुझे वो कारण बता जिस कारण से तूने ये गलती। मैं तो छलिया गया हूँ और किसी ने नहीं, उस छलिया ने छलिया हूँ। सुन उसका नाम क्या बोल? को महसूस कर गया उस कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया होनी हो कर है जगत में कहने ने सवाल बन जा लड्डन सिंह के है समझण खातर अपना अपना ख्याल बन जा मन चाही न होती राज बल हर चाही तत्काल बन जा मन चाही न होती राज बल हर चाही तत्काल बन जा करता वो अपनी चाहत हो फस